नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक शानदार बफेलो लेकर आ रहा हूं और शानदार के साथ कहूंगा कि जानदार भी है। अभी आप यहां देख पाएंगे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी हैवी है। बॉडी की हाइट आप देखें, बॉडी वेट आप देखें, चाहे आप अडर का साइज़ देखें, इसके साथ साथ आप थनों का गैप चेक करें तो काफ़ी हैवी बफेलो हम इसको कहेंगे। तो इसके लिए हमारी विजिट है तेजवीर सांगवान के यहाँ, जो कि गांव ढोकी जिला चरखी दादरी हरियाणा से हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं, मिलते हैं बफेलो ओनर से। तो तेजवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो तेजवीर जी, आपके पास जो पशुधन है इसकी कुछ डिटेल बताएं कि क्या कुछ इसकी आयु है, कौन से बार ब्यात है? ये फर्स्ट ब्यात में है जी, पहले लैक्टेशन में। हाँ, सवा तीन साल की हुई है जी। सवा तीन साल की आयु में है। हाँ जी। और इसके नीचे काफ कैसा? मेल काफ है जी, 10 दिन की ब्याई है। 10 दिन की ब्याई है। तो अभी आप यहाँ मेल काफ को देख पाएंगे, 10 दिन की जो है इसकी आयु है। और पहले ब्यात के जो पशुधन है तेजवीर जी ने बताया, लगभग 3.25 साल की जो है इसकी आयु है। उसके बावजूद आप देखें बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। जब ये अपने मैच्योर एज पर जाएगी 5 साल प्लस, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितना हैवी जो है बॉडी वेट होना है, क्योंकि एक हैवी बॉडी वेट है तो भी एक हम मान सकते हैं कि एक रिसेल वैल्यू की तरफ पशुधन होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार। तो इसका दूध उत्पादन भी आप बताएं क्या? इसका 13 लीटर तैयार है जी। अब 13 लीटर तैयार है। हाँ जी। और इसकी सही पीक के ऊपर 16 से ऊपर की उम्मीद है, 16 लीटर प्लस की उम्मीद। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं हैवी मिलकर भी हम इसको कहेंगे, हैवी बॉडी वेट तो है ही, जो दूध क्षमता है वो भी काफ़ी शानदार बताई है। तो तेजवीर जी, क्या आप ये बायर्स के लिए भी अवेलेबल करवाएं? हाँ जी, अवेलेबल है जी। जी, तो क्या कुछ आप इसकी डिमांड रखते हैं? इसकी डिमांड है जी 1.85, 1.85 लाख। हाँ, और जो लेने के इच्छुक है ना जी, वो फोन करें जी। 3 टेम 4 टेम अपनी चवाई करके ले जा, पेटा भर जब ले जा जी। जी, बाकी वैसे तंग ना करें जी। सही बात है, तेजवीर जी ने सारी डिटेल बताई है। पशुधन मैंने आपको दिखाया है और वीडियो में एडिट करके पीछे चला के भी मैं इसको दिखाऊंगा, ताकि आप जो बॉडी करेक्टरिस्टिक हैं वो आप सभी चेक कर पाएं, हैवी जो बॉडी वेट है वो आप अपने लेवल पर चेक कर पाएं। दूध उत्पादन जो है काफ़ी शानदार बताया है। ये आप दूध पास देख सकते हैं, थनों की धारा आप देख सकते हैं। एक बार हथियारों की चेक करवा देंगे, मिल्किंग की है जो वो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो सभी के लिए सूटेबल नहीं होता। तो कोई भी जो है पशु को सिलेक्ट करता है तो इनके डेयरी फार्म पर आकर ही जो है आप अपने लेवल पर मिल्किंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक बार आप चेक कर लेते हैं तो कन्फर्म हो जाता है जो चारों थन हैं वो ओके हैं। दूध पास कैसा है, थनों का शेप कैसा है, तो आप देख सकते हैं। तो इन डिटेल के बावजूद यदि आपका पशुधन सिलेक्शन में आता है तो आप तेजवीर जी से संपर्क करें और इनके डेयरी फार्म पर विजिट करें, अपने हाथों से जो है मिल्किंग करें और बताएगी डिटेल से आप संतुष्ट होते हैं तो आप ये पशुधन खरीद भी सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने एक शानदार के साथ साथ जानदार पशुधन भी कवर किया, जो कि पहले ब्यात में है, नीचे मेल काफ है, हैवी बॉडी स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद है आपने आज की वीडियो को पसंद किया। अगर आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।